हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गरिमास फिजिक्स क्लासेस। आई होप मेरे वीडियोस के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मीडियम का कोई इशू ना रहे और नोट्स के साथ वीडियोस मिलते रहें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि वीडियोज़ के नए अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा एक्सेलरेटर्स, हिंदी में कहते हैं त्वरक। क्या होता है ये एक्सेलरेटर्स या त्वरक किसे कहा जाता है? तो ये एक तरह की क्या है, मशीन है, डिवाइस है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं टू एनर्जाइज दी पार्टिकल्स। मीन्स अगर आपको चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो हम डिवाइस मशीन्स का यूज़ करते हैं, उनको हम एक्सेलरेटर्स कहते हैं। या हम कहें कि इसका मेन यूज़ क्या है, एम क्या है, तो एम में भी हम ये लिखेंगे कि टू इंक्रीज दी एनर्जी ऑफ दी पार्टिकल्स। हिंदी में कहें तो वो मशीन जो आवेशित कणों की ऊर्जा को बढ़ा रही हो, एनर्जी को बढ़ा दे, उसको हम त्वरक कहते हैं। और त्वरक मेन जो है उसका काम ही यही है कि एनर्जी को बढ़ाना है पार्टिकल की, या उसकी ऊर्जा को इंक्रीज करने की हम बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन या एम क्या है एक्सेलरेटर्स का। हमें जो मेन चीज़ देखनी है वो ये कि एक्सेलरेटर्स के टाइप्स क्या है और उनका आगे का प्रोसेस क्या है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेटर्स क्या होते हैं या त्वरक के प्रकार क्या है। तो एक्सेलरेटर्स हमारे पास दो तरह से हो सकते हैं, या टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेटर्स है। एक होता है लीनियर और दूसरा होता है साइक्लिक। इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक है हमारे पास में लीनियर एक्सेलरेटर्स, दूसरा है साइक्लिक एक्सेलरेटर्स। ये दोनों चीज़ हमें डिस्कस करनी है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा लीनियर एक्सेलरेटर्स पर बेस्ड है कि लीनियर एक्सेलरेटर्स होता क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, क्या ड्रॉबैक्स है, ये सब हमें आज के लेक्चर के थ्रू देखना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। फर्स्ट, लीनियर एक्सेलरेटर्स क्या होता है। नाम में ही बहुत कुछ चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर। लीनियर मीन्स लाइन में, साइक्लिक मीन्स सर्कलिक आपका प्रोसेस है, पूरा सर्कल के अंदर चल रहा होगा। तो इन दोनों का जो मेन डिफरेंस है वो हम बाद में देखेंगे। अभी फर्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लीनियर एक्सेलरेटर्स क्या होता है। तो लीनियर एक्सेलरेटर्स को जो शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है वो लाइनेक भी कहते हैं। इसका आप शॉर्ट फॉर्म लीनियर का LIN ले लें और एक्सेलरेटर्स का AC ले लें तो लाइनेक बनता है, जिसका मतलब होता है लीनियर एक्सेलरेटर्स या रेखीय त्वरक। तो नाम में बहुत चीज़ें दिख रही हमें कि लाइन में आप कोई चीज़ को बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस होना है वो एक लाइन फॉर्मेट के अंदर होना है, एक सीधी रेखा के अंदर होना है। अब वो कैसे होना है इसके अंदर, उस चीज़ को बताएंगे। तो सबसे पहले तो इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या कह रहा है। प्रिंसिपल जो हम बात करते हैं या सिद्धांत जो हम कहते हैं वो ये कि पार्टिकल को हमें एनर्जाइज करना है थ्रू रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड के। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करते हुए एक्सेलरेट करना है पार्टिकल्स को, जो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। तो सिद्धांत में हिंदी में हमने लिखा है कि अगर आप किसी रेडियो आवृत्ति विद्युत क्षेत्र से आप गुजारेंगे धनावेशित कण को तो वो त्वरित होगा। अब वो किस तरीके से त्वरित होगा ये हम दो फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। फैक्ट्स का मतलब है कि किस चीज़ों पर ऊपर ये बेस्ड है। तो वो दो फैक्ट्स हमने यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं, वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज कंडक्शन के अंदर क्या है, हमारी ज़ीरो है। तो आप यानी आप यहाँ पे आप कोई कंडक्टर लेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो उस केस में सिलेंडर के अंदर वेलोसिटी जो होगी पार्टिकल की, जो पार्टिकल एक्सेलरेट होना है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ये हम यूज़ करेंगे आगे, इसलिए हमने इसको लिखा है। हिंदी में कहें तो वही खोखले आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से कण की जो गति है उस बेलन के अंदर या चालक के अंदर वो क्या हो जाएगी, एक समान हो जाती है। ये हमने इसके अंदर यूज़ कर रखा। और सेकेंड पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी पार्टिकल जो है हमारा वो केवल हाफ साइकिल के लिए ही एक्सेलरेट होगा, या आधे चक्र के लिए ही वो त्वरित हो रहा है, बाकी हाफ साइकिल के लिए वो मंदित रहता है या वो एक्सेलरेट नहीं होगा। तो ये दो पॉइंट है वो हमारे प्रोसेस वर्किंग में यूज़ में लेंगे। इसके बाद में जो मेन चीज़ हमें देखनी है वो है इसका डायग्राम। डायग्राम
अगर आप समझ लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन आप अपने आप लिख सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन आ गया है तो उसके बाद में हमारे लिए थ्योरी वर्किंग लिखना थोड़ा आसान हो जाता है। तो डायग्राम देखिएगा इसका, बहुत किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है लाइनें को। तो सबसे पहले एस जो है हमारा वो एक सोर्स है जिसके थ्रू जो पार्टिकल्स है वो एंटर होने हैं। तो एस के थ्रू हमारे पार्टिकल्स जो है वो एक ग्लास ट्यूब बनी हुई है, इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब, उसके अंदर पार्टिकल्स आएंगे। ग्रीन ग्रीन कलर के आपको ये दिख रहे हैं वो क्या है, आपके ये वाले लिखे हुए L1, L2, L3 ये लिखे हुए हमने, ये जो है हमारे वो सिलेंडर्स है, बेलन है या कंडक्टर्स से आप कह सकते हैं। तो इस बेलन के अंदर, कंडक्टर के अंदर, सिलेंडर के अंदर क्या हो रहा है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो चल रही है। सेकेंड चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा डायग्राम के अकॉर्डिंग, सिलेंडर की लेंथ क्या होती जा रही है, 1/1 इंक्रीज होती जा रही है। पहले वाले L1 की कम है, फिर L2 की उससे ज़्यादा, L3 की उससे ज़्यादा, इससे इस तरीके से वो लेंथ जो है लीनियर ऑर्डर में इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे जैसे आप सिलेंडर इंक्रीज करते रहेंगे वैसे वैसे लेंथ भी उसकी इंक्रीज होती जा रही है, ये हमने यहाँ पे बता रखा है। तो ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हम प्रोसेस के अंदर देख रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखिएगा L1, L3, L5, L7 मीन्स ऑड ऑड वाले जो है उसको एक साइड से कनेक्ट कर रखा है। मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है तो आपने पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, और L2, L4, L6 ये वाले जो दिए हुए हैं इसको आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया है। तो इस टाइप से ऑड वाले एक टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएंगे पावर सप्लाई की, और इवन वाले जो सिलेंडर्स है, इवन नंबर वाले सिलेंडर्स, उसको आपने सेकेंड सप्लाई या नेगेटिव सप्लाई से आपने कनेक्ट कर रखा है, या उसका ऑपोजिट भी आप ले सकते हैं। तो इस टाइप से आपको कनेक्शन करना है पावर सप्लाई के साथ में। पावर सप्लाई मीन्स रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आप दे रहे हैं उससे आप कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद में हम इसके अंदर देखेंगे कि कैसे वर्किंग हुई है यहाँ पे, कैसे कोई पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है इसके अंदर। यहाँ देखिएगा कंस्ट्रक्शन में हमने वही पॉइंट्स लिख रखे हैं जो भी मैंने आपको बताए थे, कि ग्लास ट्यूब आपने ली है, उसके अंदर आपने सिलेंडर्स ले रखे, होलो सिलेंडर्स से जिसको आपने लीनियर एक सीधी लाइन में लगा रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेंथ जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। 1, 3, 5, 7 जो है उसको आपने पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ दिया, 2, 4 से इसको आपने नेगेटिव सप्लाई से जोड़ रखा, और एस जो है आपका सोर्स है जहाँ से पार्टिकल ट्यूब के अंदर आएंगे। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी हमने लिखा है हेडिंग में, लाइन एक वर्ड यूज़ किया था, लीनियर एक्सेलरेटर या रेखीय। तो रेखीय क्या चीज़ है यहाँ पे, लीनियर वो जो सिलेंडर्स आपने रखे हैं वो सारे के सारे एक ही लाइन के अंदर आपने रख रखे हैं, इसका मतलब पार्टिकल को जब गुजरना है तो उस सिलेंडर से होकर गुजरना है, मीन्स एक सीधी लाइन के अंदर आपको सिलेंडर के थ्रू पास करना है पार्टिकल को। तो कंस्ट्रक्शन के बाद में हम डिस्कस करते हैं वर्किंग क्या कहती है यहाँ पे। वर्किंग के अंदर हम चीज़ बता रहे हैं कि कैसे पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ है या त्वरित हो रहा है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्टिकल जो है वो सबसे पहले जो वो एस सोर्स था वहाँ से एंटर होगा ग्लास ट्यूब के अंदर। तो जैसे ही पार्टिकल ग्लास ट्यूब के अंदर एंटर हो रहा है तो वो जब दो सिलेंडर के बीच में आएगा तब वो एक्सेलरेट होगा। बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब वो पार्टिकल दो सिलेंडर के बीच में आएगा तब एक्सेलरेट होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के कारण। और जब पार्टिकल होलो सिलेंडर के अंदर है, किसी भी होलो सिलेंडर के अंदर है, तो उस केस में पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट नहीं होगा, मीन्स वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में प्रिंसिपल में लिखा है कि सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है। तो सिलेंडर के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, इस वजह से पार्टिकल जब सिलेंडर के अंदर से पास हो रहा होगा, अंदर से गुजरेगा, तो उस समय वो एक्सेलरेट नहीं होगा, उस सेम वेलोसिटी से ही चल रहा होगा। लेकिन जब वो दो सिलेंडर के बीच में होगा तो उस समय हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, उसकी वजह से हमें पार्टिकल एक्सेलरेट होता हुआ मिलेगा, मीन्स उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब जब जब पार्टिकल दो सिलेंडर के बीच में है तो वो एक्सेलरेट हो रहा होगा, और जब सिलेंडर के अंदर है तो उस समय वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा। अब इस एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये
कि जो लेंथ है दो सिलेंडर के बीच में वो इस तरीके से रखी जाती है कि पार्टिकल जब आधा साइकिल कंप्लीट कर ले तो उसकी इक्वल रहे। इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है। हाफ साइकिल तक ही वो एक्सेलरेट होना है पार्टिकल, ये भी ध्यान रखिएगा। पार्टिकल हाफ साइकिल के लिए एक्सेलरेट होना है और हाफ साइकिल के लिए एक्सेलरेट नहीं होगा, यानी अर्ध चक्र के लिए ही वो त्वरित है और अर्ध चक्र के लिए वो मंदित रहता है, मीन्स कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। इसका मतलब हाफ साइकिल में तो क्या है, वो दो सिलेंडर के बीच में है और हाफ साइकिल में वो सिलेंडर के अंदर होगा। इसका मतलब ये हुआ है। हाफ साइकिल किसका, जो आपने सोर्स के थ्रू यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आपने दी है उसके हाफ साइकिल की आप बात कर रहे हैं, तो उसका जो हाफ साइकिल है उसकी लेंथ सिलेंडर की और बीच की जो लेंथ है, दोनों सिलेंडर के बीच की लेंथ, उसको आपने इस तरीके से एडजस्ट किया है कि पार्टिकल हाफ साइकिल के लिए एक्सेलरेट हो जाए, हाफ साइकिल के लिए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर सके। तो पार्टिकल जब पहले सिलेंडर से पास होता है, हम उसके लिख के चल रहे हैं कि अगर जैसे ही पहले सिलेंडर से वो पास हो जाता है तब पहला सिलेंडर पॉजिटिव पोटेंशियल का हो जाएगा, या उसके पास पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा या धनात्मक विभव हो जाएगा, और सिलेंडर दो जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। इसी तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है वो लगातार जो है चलता रहता है। मीन्स जैसे ही वो पार्टिकल जो है सेकेंड सिलेंडर से पास हो गया, तब सेकेंड वाला जो आपका पार्टिकल सिलेंडर है वो अपना पोटेंशियल चेंज कर लेगा। इसी टाइप से आगे सोन सोन चलता रहेगा, जितने सिलेंडर से उतने आपका पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने हिंदी में भी लिख रखी है कि किस तरीके से पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है या त्वरित हो रहा है। इसी का हमने छोटा सा डेरिवेशन कह दें कि लेंथ क्या होगी वो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। लेंथ बिटवीन दी टू सिलेंडर्स की हम बात कर रहे हैं, तो एन सिलेंडर्स हम ले रहे हैं तो लेंथ कितनी होगी एल एन, उसको हमने डिस्कस किया यहाँ पे। तो हम एल एन यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि एल वाले एन वाले बेलन की लंबाई है, लेंथ है, तो उसको हम फाइंड कर रहे हैं कितनी होगी। तो हमने वो कैसे ली है, कैसे निकाली है, आपने एल एन इज इक्वल्स टू वी एन टी बाय टू, दो सिलेंडर के बीच में आप देख रहे हैं तो, और हाफ साइकिल की बात करें इसलिए डिवाइड बाय टू लिया है, तो सिंपल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे आप देख रहे हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। और हाफ साइकिल के लिए आप बात कर रहे हैं तो इसलिए वी एन टी बाय टू आपने लिया है। टी को हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय एफ, तो इसलिए वी एन अपॉन टू एफ लिख दिया आपने। वी एन वेलोसिटी ऑफ एनथ पार्टिकल हो गया एफ का, यहाँ पे एफ फ्रिक्वेंसी हो गई है हमारी, जो फ्रिक्वेंसी आप दे रहे हैं वो फ्रिक्वेंसी। अगर हमने दो सिलेंडर के बीच का जो पोटेंशियल विभव है वो हमने वी मान लिया है, तो एनर्जी कितनी इंक्रीज हो गई हमारी यहाँ पे, वो दी जाएगी एन क्यू वी से, एन क्यू वी से यहाँ पे लिखी जाती है। तो यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे आप स्मॉल वी लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप स्मॉल वी यूज़ करिएगा, यहाँ पे कैपिटल वी हो गया है, आप यहाँ पे स्मॉल वी जो लिख रहे हैं वही स्मॉल वी है, यहाँ पे आप कैपिटल वी कर लें। तो इस तरीके से हमारे पास में अगर हम एन पार्ट की बात करें, एन पोजिशंस की बात करें, तो टोटल इंक्रीज कितना हो जाएगा, एन से मल्टीप्लाई कर दें आप, एन क्यू वी हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी वो हाफ एम वी स्क्वायर से दी जाएगी। हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन क्यू वी प्लस के, इससे आप दे सकते हैं के क्या है, जहाँ पे हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी या जो प्रारंभिक गति जुड़ जाए उससे आप दे रहे हैं। तो वी एन का फॉर्मूला क्या हो गया, इससे आप निकाल सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके, यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करके हमने निकाल लिया वी एन कितना हो गया हमारा, ये स्क्वायर है वी एन स्क्वायर, तो वी एन की वैल्यू जो आ गई है वो रूट ऑफ टू एन क्यू वी प्लस के अपॉन एम। हमें चाहिए एल एन का फॉर्मूला, तो आप क्या करें, यहाँ इस फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी उसमें आप यहाँ पे वी एन की वैल्यू को जो आपने निकाली है लास्ट में उसको आप पुट कर दे, तो एल एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाय टू एफ रूट ऑफ टू एन क्यू वी प्लस के बाय एम। ये बहुत छोटा सा डेरिवेशन है जो लेंथ बता रहा है, एनथ सिलेंडर है उसकी लेंथ कितनी होगी, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है। तो ये यहाँ पे हमारे पास में ये छोटा सा डेरिवेशन वर्किंग के साथ में ही आपको करना। नेक्स्ट आता है हमारा कि कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए अगर आपको हाई एनर्जी चाहिए पार्टिकल की, तो हाई एनर्जी मिलने के लिए या अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपको क्या कंडीशंस, क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं,
वो हमें यहाँ पे देखना है, इसी के थ्रू हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली पॉइंट है हमारा कि लाइनेट में आप जो पोटेंशियल यूज़ करेंगे, विभव यूज़ करेंगे, वो क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। तो पोटेंशियल हमें हाई चाहिए। सेकंड चीज़, अगर हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, पहली चीज़ या तो आप पोटेंशियल बढ़ाएं, सबसे पहली चीज़ पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, जो आप सिलेंडर को दे रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। सेकंड चीज़, सिलेंडर जो आपने लगाए हैं वो क्या होने चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा सिलेंडर से वो पास होगा या जितने ज़्यादा सिलेंडरों के बीच में से वो पास होगा, उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो सकती है। तो इसका मतलब सिलेंडर क्या होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए अगर आपको एनर्जी को इंक्रीज़ करना है। थर्ड पॉइंट, फ्रिक्वेंसी, जो हमने सोर्स लगाया है वो क्या होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। हाई फ्रिक्वेंसी आपको देनी है, हाई फ्रिक्वेंसी दी है आपने तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो सकती है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास में कि अगर आपने ऑलरेडी पार्टिकल एक्सेलरेट लिया है, मीन्स हाई एनर्जी का ही पार्टिकल लिया है हमने, तो जो उससे लाइनेक्स से हमें पार्टिकल मिलेगा, फाइनल पार्टिकल, वो क्या होगा, उससे भी ज़्यादा एक्सेलरेट होता हुआ मिलेगा। तो अगर आपको हाई एनर्जी पार्टिकल चाहिए या बहुत ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें पार्टिकल की, तो हमें ये चार चीज़ें करनी ज़रूरी है कि या तो आप पोटेंशियल को इंक्रीज़ कर दें, विभव बहुत ज़्यादा दें, या फिर सिलेंडर की क्वांटिटीज़ जो है आप उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, क्वांटिटीज़ बढ़ा के आप कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी जो आपने दी है रेडियो फ्रिक्वेंसी, वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए आपकी। और चौथा पॉइंट, आप ऑलरेडी जो भी पार्टिकल सोर्स से डाल रहे हैं वो अनएक्सेलरेटेड पार्टिकल या अत्वरित पार्टिकल ना लेके उसकी जगह आप एक्सेलरेटेड पार्टिकल ही लें, मतलब हाई एनर्जी वाला ही पार्टिकल लें और फिर आप उसको लाइनेक्स से पास कर दें, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये चार पॉइंट है एनर्जी को इंक्रीज करने के। तो ये हो गया हमारा चार पॉइंट कि लाइनेक के थ्रू आप कैसे इंक्रीज कर रहे हैं। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है इस वाले वीडियो का, वो ये कि ड्रॉबैक क्या है इसके। ड्रॉबैक जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमें दिख रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंग, क्या था कि अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ रहा है, सिलेंडर ज़्यादा चाहिए। ठीक है, सिलेंडर क्या करने पड़ रहे हैं हमें, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं। सिलेंडर लगा कहाँ रहे हैं आप, ग्लास ट्यूब के अंदर ही लगा रहे हैं। तो अगर आपने सिलेंडर की क्वांटिटी बढ़ा दी है तो इसका मतलब आपको ग्लास ट्यूब बहुत बड़ी चाहिए। तो आप कितनी बड़ी ग्लास ट्यूब कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब साइज़ जो है, जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ सिलेंडर्स, तो आपको सिलेंडर की साइज़ को भी ध्यान में रखना है। पहले वाला छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, उससे बड़ा है, इस टाइप से चल रहा है। तो इसका मतलब आपने अगर सिलेंडर्स इंक्रीज़ कर दिए तो उनकी साइज़ भी क्या होती जा रही है, लेंथ इंक्रीज़ होती जा रही है। और अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो लेंथ ऑफ दी ट्यूब तो नेचुरली इंक्रीज़ ही होगी। और लेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो क्या ऐसा हमारे लिए इतना बड़ा एपरेटस कंस्ट्रक्ट करना फिर पॉसिबल है, नहीं है। कंस्ट्रक्ट कर भी दे तो उसको हैंडल करना फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपको बहुत हाई एनर्जी की हम बात कर रहे हैं चाहिए, तो फिर हम उसको लाइनेक्स से इतना ईजिली हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमारे लिए ईजी नहीं रहेगा, फिर उसको हैंडल करना हमारे लिए फिर ईजी नहीं रहता, क्योंकि सिलेंडर बढ़ाते ही आपकी लेंथ बढ़ रही है सिलेंडर की, और सिलेंडर की लेंथ बढ़ने से क्यूब की लेंथ आपकी इंक्रीज़ हो गई है, जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते। तो ये इसका मेन ड्रॉबैक है। तो यहाँ तक हमारा लाइनेक या लीनियर एक्सेलरेटर्स के बारे में हमने पढ़ा है। अब क्योंकि इसमें ड्रॉबैक कमी आ चुकी है, तो हमें फिर नेक्स्ट एक्सेलरेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट एक्सेलरेटर हमारा साइक्लिक एक्सेलरेटर रहेगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।